नगर पालिका निगम भिलाई में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए महापौर नीरज पाल ने ध्वजारोहण किया, साथ ही निगम भिलाई के कर्मठ कर्मचारियों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर किया। 15 अगस्त को पूरे देश में अपनी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम भिलाई के प्रांगण में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर निगम महापौर नीरज पाल ने निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में पूरे गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और मंच से पूरे शहरवासियों और प्रदेशवासियों को इस राष्ट्रीय त्यौहार के संग आजादी के अमृत महोत्सव की ढेरों बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। तिरंगा लहराने के बाद निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर राष्ट्रीय ध्वज की शान में राष्ट्रगान गाया और तिरंगे झंडे को सलामी दी। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल और आयुक्त लोकेश चंद्राकर द्वारा निगम भिलाई के उन कर्मठ कर्मचारियों का सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर किया गया जिन्होंने अपनी कर्मठता से निगम भिलाई को ODF++ घोषित करवाया और निगम भिलाई को कई श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलवाए। इस मौके पर महापौर ने कहा कि आज भिलाई का गौरव पूरे देश में भिलाई निगम के कर्मचारियों की कर्मठता की वजह से बढ़ रहा है। महापौर ने यह भी आशा जताई कि आने वाले समय में भी इसी तरह मन लगा के कार्य किया जाएगा जिससे भिलाई निगम पूरे प्रदेश सहित देश में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा सके। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज हम आजादी का पर्व मना रहे हैं और वो भी 75वीं वर्षगांठ आजादी की, जो पूरा देश मना रहा है पूरे हर्षोल्लास उल्लास के साथ। हमारा प्रदेश पूरे उत्साह के साथ मना रहा है, हमारा भिलाई शहर, भिलाई नगर निगम क्षेत्र पूरे हर्षोल्लास के साथ आजादी के इस पर्व को मना रहा है। मैं पूरे भिलाई के सभी निवासियों को, छत्तीसगढ़ के सभी वासियों को अपनी ओर से इस आजादी के पर्व की, देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। शहरवासियों को, पूरे भिलाई नगर निगम परिवार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम उन वीर शहीदों को नमन करें, उनके बलिदानों को याद करें और अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को भी हम लोग आज समझें कि हमको अपने शहर के लिए क्या करना है। निगम परिवार की ओर से आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं। हालांकि 3 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर होने वाले कुछ कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, परंतु इस बरसात में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और इस गौरवपूर्ण क्षण की साक्षी बनने निगम भिलाई के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।